पैसे के लिए, ये जब ये ठेका निरस्त किया जाएगा वरना अगले साल का मेला बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब यू देखो भैया, मंजीठा मेला की कमेटी वाले तो बहुत है लालची हो गए, पैसे खाते काम करते हैं भैया। अब मेले में वसूली बहुत है होती है, कहेंगे तुम अगर इतना पैसा दोगे तुम्हारी दुकान लगाएंगे, तुम अगर कम पैसा दोगे तो दुकान अपनी उखाड़ ले जाओ, पहले तुमको देंगे फिर जो ज्यादा पैसा देगा उसकी दुकान लगवा देंगे। बहुत है भैया छीजा ले इधर मचा रखे। और यही नहीं भैया, अगर तुम अगर टेंडर भरे हो तो तुम्हारा टेंडर निरस्त हो जाएगा, जिससे मामला पहले फिक्स है वही को टेंडर देंगे। अब यही सब आरोप भैया आकाश वर्मा लगा रहे हैं, यूं मंजीठा गाँव के रहे वाले हैं भैया, और मेला कमेटी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे सोशल मीडिया पर, वीडियो वायरल करके देखो तो भैया पाउडर लपेस करके उछा डाल करके बढ़िया चश्मा माथे पर लगा करके बता रहे थे कि देखो भैया बहुत मनमानी हो रही है, मेला कमेटी वाले ठीक नहीं कर रहे। सरकारी बोली 1.5 लाख लगी थी मेला में साइकिल स्टैंड की, जो कि बढ़ते बढ़ते 4 लाख पहुंच गई। उसके बाद बोला गया पैसा जमा करिएगा, तो बोले 2 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे का समय दिया गया पैसा नहीं आया तो ठेका निरस्त कर देना चाहिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन और कमेटी जाके थाने में, जो कभी नहीं हुआ है, थाने में जाके उनको ठेका लिखा गया और बोल रहे हैं कितने का लिखा गया, लोगों के जरिए से पता चला है 2 लाख का, वो लोग बता रहे हैं 4 लाख का। पब्लिक नहीं देखी है, पब्लिक देखती है यहाँ ठेका यहाँ उठता है, यहाँ मानी जाएगी, उनको क्या हुआ क्या हुआ कोई जानकारी नहीं हमें, जो हो सच यहाँ माना जाएगा। ये ठेका निरस्त किया जाए, कोई अगली बोली रखी जाए, अगला दिन निश्चित किया जाए तब माना जाएगा, मेला नष्ट कर देंगे। अब ऐसे ही चलता रहा भैया, खूब अगदा मेला वसूली होगी तो मेला नष्ट हो जाएगा, पूरा भैया बर्बाद करके रख देंगे। मेला कमेटी वालों पर तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे आकाश वर्मा। और यही नहीं भैया, दुकानों के बारे में बता रहे थे कि भैया अगर तुमने पहले दुकान लगा दी लेकिन तुम्हारे बाद जो आएगा वो ज्यादा पैसा देगा तो उसकी दुकान लग जाएगी, तुम्हारी दुकान उखाड़ करके फेंक दी जाएगी। तनिक सुनो का बता रहे थे, दुकान लगवा दिया जाता है कि ठीक है यहाँ से लगा लो, आदमी अपने मजदूर लाके लगवाता है, उसके बाद उसे बताया जाए 2 फीट पीछे कर लो, उसको परेशान किया जाता है। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, कि जब उसको कहेगा नहीं मुझे यहीं लगाने तो उससे 1000-2000 रुपया लिया जाएगा। पहली बार झूला आया है मेले में उससे लगवा लिए, उसके बाद कहते उसको उखाड़ के ले जाओ। क्यों? मुझे पैसा दो, मेरी बात मानो, अन्यथा उखाड़ के ले जाओ, वहाँ पे मैं दूसरा लगाऊँ ज़्यादा पैसा लूँ इसलिए। और जो दुकानें हैं लगाते हैं लोग यहाँ, माना रसीद काटी जाती है, अगर किसी कोई कारण से लोगों का यहाँ जेवर खो जाती है, रसीद खो भी गई तो कहते तुम्हारी रसीद खो गई तुमको दुकान नहीं दी जाएगी, ये गलत चीज़ है। आदमी का यहाँ रहता है, चेहरा है, या रसीद ही सब कुछ है, ये गलत है, ऐसा ना करें। कमेटी खास करके इतना ध्यान रखे वरना अगले साल का मेला बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये लोग नहीं चला पाएंगे, हम लोग खुद नहीं चलाने देंगे ग्राम समाज। हम मेला कमेटी वालों ने भैया अपनी हरकतों पर सुधार नहीं किया तो अगले साल से ग्रामीण मेला चलने नहीं देंगे, बहुत आक्रोशित दिख रहे थे और सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के वायरल कर रहे थे। तो हमने कहा तनिक आपको सुना दे कि उम्मीद करेंगे प्रशासन देखेगा भैया और मंजीठा मेला की कमेटियों को तनिक फटकार लगाएगा। फिलहाल भैया पूरी पूर्ण पट्टी खुल गई कि देखो भैया 5 रुपये का सामान ऐसे 20-25 रुपये नहीं मिल जाते और कितनी अवैध वसूली होती, बातें तो हमने सुन ली। वीडियो शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुभ मैं साथ मिलेगी तो बात करेंगे और आपकी कार्य कमेंट जो कीजिएगा।